हमारी चिंता का विषय रह गया है। क्या सच हमारी चिंता का विषय रह गया है? बात यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो सच का आलम्बन न ले। अव्वल दर्जे के झूठे व्यक्ति को भी जब भूख लगती है तो बोलना पड़ता है भूखा हूँ, वहाँ भी झूठ बोले तो मर ही जाएगा। एक नंबर का जो झूठ बोलने वाला है, जब प्यास लगती है तो सत्य का ही आलम्बन लेता है कि मुझे प्यास लगी है और कुछ नहीं। तो एक नंबर का झूठा व्यक्ति भी जब पेट में दर्द होता है तो बोलना ही पड़ता है पेट में दर्द है, तब चिकित्सा होती है। इसलिए सत्य का आलम्बन तो स्वाभाविक है, झूठ का आलम्बन जो व्यक्ति लेता है गलत अभ्यास के कारण। लेकिन झूठ का आलम्बन लेने वाला अंत में लौकिक दृष्टि में भी गिर पड़ता है। विश्वास जो होता है व्यवहार में भी ना सत्य के आधार पर होता है ना, सत्य के आधार पर होता। झूठ बोलने वाला तो व्यवहार में भी आस्था का पात्र नहीं हो पाता। इसलिए सत्य का आलम्बन स्वाभाविक है, झूठ का आलम्बन कृत्रिम है। हाँ, वहाँ पर जहाँ पर हित के विरुद्ध सत्य भाषण हो जाए वहाँ पर फिर सत्य नहीं बोलना चाहिए। हित अगर झूठ बोलने से भी होता है, परिस्थिति बस अपवाद एक्सेप्शन है, तो झूठ बोल करके भी व्यक्ति के हित का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए, वो अलग चीज़ है। कोई चोर जा रहा है, डाकू जा रहा है, गुहत्यारा जा रहा है, उसको बता देंगे उनका माल यहाँ है, ये है, वो है, वहाँ छिपा हुआ है व्यक्ति, वहाँ छिपी हुई है गाय, हमारा सत्य जो है उसके लिए वरदान होगा, लेकिन गाय के लिए, धनी के धन के लिए तो अभिशाप हो जाएगा ना, हित के अविरुद्ध। इसलिए सत्य बोलने की विधा है गीता में, मनुस्मृति आदि में, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत। उद्वेग उत्पन्न करने वाला वचन न बोले, सत्य बोले, प्रिय बोले, हितकर बोले। अद्वैत की सिद्धि के लिए आवश्यक है अनुद्वेग कर वचन बोलना। सत्य परमात्मा में मन रमने योग्य हो जाए इसके लिए सत्य बोलना। चित स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति की बल योग्यता आवे इसलिए हित बोलना, और आनंद स्वरूप परमात्मा में मन रम सके इसलिए क्या करना, प्रिय बोलना। सत्य भी बोले, प्रिय भी बोले, हितकर भी बोले, उद्वेग करने वाला वाक्य ना बोले। ऐसा 10 वाक्य बोलना भी बड़ा कठिन, चारों योग्यता हो। एक हाँ, ये ठीक का ही 10 वाक्य नहीं, एक ही 0 भी हटा दी। सत्य भी हो, प्रिय भी हो, हितकर भी हो, उद्वेग भी उत्पन्न न करे। लेकिन वहाँ पर जहाँ पर बच्चे को तो कुछ डांटने से ही काम चले, उद्वेग तो उत्पन्न होगा लेकिन आगे चलकर उसके हित में प्रयोग होगा। बोलना तो ऐसा चाहिए कि सत्य भी हो, प्रिय भी हो, हितकर भी हो, उद्वेग क्षोभ उत्पन्न करने वाला ना हो। अगर हित की रक्षा के लिए कट बोलना ही पड़े आदत से नहीं, तब कट बोलकर भी व्यक्ति के हित की रक्षा करनी चाहिए, वो परिस्थिति वश है।